इंग्लिश SL 12th स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्री रीडर में से रीड नंबर 6 आई मिस यू मदर ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं। आई मिस यू मदर इस टाइटल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस स्टोरी में मदर राइटर जो है अपनी मदर के बारे में बात करती हैं, मदर की जो भी स्पेशलिटी होती है, जो क्वालिटीज़ होती हैं मदर की उसके बारे में बता रही हैं और मदर का नेचर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, अपने बारे में भी थोड़ा सा बताया है। तो विदाउट वेटिंग लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको मीनिंग पता चलती जाएगी। अर्ली इन द ऑटम ऑफ 1984 की बात है, ओके और वो उस समय ऑटम का मौसम था और मौसम की बस शुरुआत हुई थी। अर्ली इन द ऑटम पतझड़ का मौसम जो होता है ना, अक्टूबर का मौसम, अक्टूबर का महीना और उस टाइम जो मौसम होता है वैसा आप कह सकते हैं। माई मदर बिगैन राइटिंग द स्टोरी ऑफ हर लाइफ। मेरी मदर उस टाइम अपनी लाइफ की स्टोरी लिखने लगी। शी वॉज एन एनर्जेटिक वुमेन इन हर सेवेंटीज़ का मतलब 70 साल की उम्र हो चुकी थी, फिर भी वो एक एनर्जेटिक वुमेन थी, मतलब ऊर्जा युक्त, ऊर्जा उनमें बहुत थी। इट वॉज हर डिज़ायर टू पुट डाउन हर थाट्स एंड मेमोरीज इन हर माई बुक। उन्होंने अपनी जो बुक थी उसका टाइटल रखा था माई बुक। तो उन्होंने क्या किया था उस बुक में, अपनी इट वॉज़ हर डिज़ायर, ये उनकी इच्छा थी कि जो भी उनकी सोच थी और जो भी उनकी यादें थी वो उस बुक में लिख डाले और उन्होंने लिखा भी। वंस शी केम फॉर डिनर एंड टोल्ड मी दैट शी हैड टू वर्क ऑन हर बुक। अब एक बार वो जब खाना खाने के लिए आई तो उन्होंने बोला कि मुझे इस बुक पर काम करना है, इसका मतलब मुझे किताब लिखनी है, अपने बारे में लिखना है, अपने थॉट्स के बारे में, अपनी मेमोरीज के बारे में लिखना है। आई लाफ्ड एंड आस्क्ड हर वेयर द फायर वॉज। अरे ये फायर कहाँ था, फायर का मतलब यहाँ ये इच्छा कब से और कहाँ थी ये इच्छा, और फायर इसलिए नाम लिया है आग। एक्चुअली मन में जब तीव्र इच्छा होती है तो उसे आप कह सकते हैं कि येस देयर इज़ अ फायर, ओके। तो ये फायर अभी तक कहाँ था। द फायर वॉज इनसाइड हर, शी फिनिश्ड हर बुक इन अर्ली डिसम्बर। अर्ली डिसम्बर, डिसम्बर के शुरुआत में ही उन्होंने बुक पूरी फिनिश कर ली। कहने का मतलब ऑटम की शुरुआत में उन्होंने डिसाइड किया, यानी लिखना शुरू किया और अर्ली डिसम्बर में उन्होंने फिनिश कर दिया, मतलब लगभग 2 महीने के आसपास उनको समय लगा। 3 days आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस के बस 3 दिन बाद हुआ क्या, हर कैंसर वॉज डिस्कवर्ड। उनका कैंसर पता चला कि उनको कैंसर है एंड 3 months लेटर शी वॉज डेड, और उसके 3 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। आपको मालूम है क्रिसमस दिसंबर के मंथ में आता है और क्रिसमस 25 तारीख को आता है, उसके 3 दिन बाद पता चला कैंसर, यानी कि लगभग 28 या 29 तारीख को पता चला और 3 महीने बाद शी वॉज डेड। इसका मतलब पूरी जनवरी, फरवरी और मार्च के बाद शी वॉज डेड। From my mother's book. अब ये अपने मदर के बुक में से कुछ लाइन्स कोट कर रही हैं। I have loved family, friends, nature, animals, music and many other things. उनकी मदर क्या कहती हैं उस बुक में, क्या लिखा है इन्होंने अपने अपने बारे में, तो उनकी मदर कहती है कि मैंने हमेशा अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नेचर, एनिमल्स, म्यूज़िक और बहुत सारी चीज़ों से प्यार किया है। It will be hard to say goodbye to those I love. अब इन चीज़ों को गुड बाय कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है जिन्हें मैं प्यार करती हूँ, एंड टू द ब्यूटी इन द वर्ल्ड, और इस विश्व की सुंदरता को भी बाय कह के जाना मेरे लिए बहुत ही हार्ड है, ओके। आई रेड दीज वर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज सराउंडेड बाय पैकिंग बॉक्सेस इन माय मदर्स अपार्टमेंट अ मंथ आफ्टर हर डेथ। इनकी मदर की मृत्यु के 1 महीने बाद की बात बता रही हैं ये, कि मैंने ये वर्ड्स उनकी बुक में पढ़ा, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज सराउंडेड बाय पैकिंग बॉक्सेस, जब बॉक्सेस बहुत सारे आजू बाजू में थे जो पैकिंग बॉक्सेस थे, इनकी मदर के अपार्टमेंट में ये बैठी हुई थी, तब इन्होंने पहली बार ये लाइन्स पढ़ी, इनकी बुक पढ़ी। आई ट्राई टू पिक्चर हर फेस एज आई रेड द वर्ड्स, बट द मेमोरीज ऑफ द लास्ट 2 months एज शी ले डाइंग
वर टू पेनफुल, आई क्लोज द बुक। अब इन्होंने अपने मदर के फेस को याद करना चाहा, अपनी मदर के फेस, अपने मन में उनका फेस याद करने की कोशिश की, उनका फेस देखने की कोशिश की। और जैसे जैसे वो उनका उनके वर्ड्स रीड कर रही थी, जैसे जैसे उनकी यादें जो उन्होंने लिखी थी वो रीड कर रही थी, लेकिन बार बार उनको क्या याद आ रहा था, उस राइटर को अपनी मदर के वो जो लास्ट के उनके जीवन के लास्ट के 2 महीने जो थे, जिस जो 2 महीने उन्होंने मतलब वो हमेशा लेटी रहती थी, और वो बहुत पेनफुल महीने थे, बहुत ही पेनफुल, बहुत ही दर्दनाक। आई क्लोज द बुक। तो उन्होंने क्या किया, बुक बंद कर दी, क्योंकि बुक पढ़ने से अच्छी यादें भी आ रही हैं और साथ साथ वो जो दर्दनाक याद है वो भी आ रही है, तो इसलिए उन्होंने बुक बंद कर दी।